हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो की मदद से हम सभी जानेंगे कि आप बैंक ऑफ इंडिया की चेक की मदद से पैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। यहाँ पर देखिए, तो इस चेक से आप चाहे तो खुद से ही पैसे निकाल सकते हैं और किसी को चेक दे भी सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा कि दोनों तरीका में आपको पैसे किस तरीके से निकालनी है, तो देखेंगे। बस अंतर यहाँ पे ये रहता है कि यदि आप किसी को चेक देंगे तो यहाँ पे उनका नाम आएगा, और यदि आप खुद से पैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आपको बस SELF सेल्फ लिख देनी है और बाकी बात प्रोसेस आपका वही रहती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो है प्रोसेस, बाकी बात प्रोसेस आपका वही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यदि सेल्फ से निकालेंगे, खुद से पैसे निकालने हैं आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे SELF सेल्फ, और यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेल्फ। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपने पैसे लिखनी है, अमाउंट लिखनी है, जितने भी पैसे आप निकालना चाहते हैं यहाँ पे लिख देनी। जैसे कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं रुपीस दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको इंग्लिश लेटर में लिख देनी है FIB5000THOUSAND रूपी RUPPE रूपी, और यहाँ पे ओनली लास्ट में ओनली लिख देना आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे माफ कीजिएगा इंग्लिश में लिख दिया हूँ, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से लिखनी है 5000, ये लिखनी है आपको यहाँ पे नंबर में 21,000, इस तरीके से लिख के यहाँ पे बस कुछ नहीं करनी है, और इस तरीके से करने के बाद 00 दे देनी है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डेट आपको देनी है, जो भी आपकी डेट रहेगी यहाँ पर आपको डेट दे देनी है। और इस तरीके से डेट देने के बाद जो यहाँ पे आप चाहे तो ये 00 लिख भी सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 00 आप ना ही लिखे तो अच्छा रहेगा, इसमें 00 नहीं आएगा। ये आप पैसे जो निकालते हैं पैसे वाला फॉर्म में लिखेंगे, इसमें 00 आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको अमाउंट ही लिखनी है, जितना कि अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उनका साइन होगा जिनके नाम से ये चेक है, तो चलिए यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ, और इसके बाद इस तरीके से लिख देनी है। और इसके बाद जो यहाँ पे आपको क्या करनी है, पीछे की तरफ में चैप्टर यहाँ क्रॉस करनी है, और इसके बाद यहाँ पे दो सिग्नेचर उनसे करवा लेनी है जिनका कि यहाँ पे जो है ये चेक है। मैंने सिग्नेचर कर दिया, फिर से सिग्नेचर होगा इनका, और यहाँ पे सिग्नेचर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो आप अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है, और इसी तरीके से आपको चले जाएगा यहाँ पे जो आप खुद से पैसे निकाल सकते हैं। और यदि आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, किसी के मतलब कोई और आपके चेक से पैसे निकालेगा, तो इसके जगह पे यहाँ ये चीज नहीं रहेगा, इसके जगह पे उनका नाम रहेगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ RAMAN रमन, और यहाँ पे कुमार KUMAR कुमार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से आप यदि खुद से निकालेंगे तो ये करना है, इधर से निकालेंगे तो ये करना है, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। तो इसी तरीके से आप लोग चेक की मदद से पैसे को भेज किसी से निकलवा सकते हैं या फिर खुद से निकाल सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।